नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस बार के अंक पर। बुंदेलखंड में मानसून की बारिश से तापमान में कमी, पीने के पानी का संकट अभी भी बरकरार। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जानने और उनके निराकरण के लिए चौपाल लगातार सार्थक प्रयास में जुटी हैं जिलाधिकारी बहराइच। प्रदेश की बेटियां दे रही हैं बेटों को मात, झांसी की जीनत कौसर बनी युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए मिसाल। लाखों रुपए की नौकरी को ठोकर मार सफल उद्यमी बन, बरेली के युवा इंजीनियर बने लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। बुंदेलखंड में मानसून के आगमन के साथ भले ही तापमान में गिरावट आई हो, परंतु लोगों को पीने की पानी की समस्याओं का आज भी सामना करना पड़ रहा है। आज भी लोगों का अधिकांश समय पीने के पानी की निजात में गुजर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और सरकार द्वारा इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं, परंतु आज भी वह नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं अभिषेक शुक्ला के साथ अमिताभ खरे की यह रिपोर्ट। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। उक्त पंक्तियों के माध्यम से रहीम ने हमारे जीवन में पानी की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जन्म लेते ही पानी से हमारा नाता प्रारंभ हो जाता है, पैदा होते ही बच्चे को दाई पानी से नहलाती है, उसकी साफ सफाई भी करती है, और इससे भी इतर बचपन में हम सभी ने पानी में खूब मस्ती की होती है। इसीलिए पानी हम सब के लिए सबसे ज़्यादा बेशकीमती है। पानी ही नदी, तालाबों और झरनों को जीवन देता है। शीत ऋतु में हरी घास के बिछौने, पत्तियों की कोरों और फूलों की पंखुड़ियों पर ओस कणों के रूप में उतरकर मन को आनंदित करता है। एक तरफ पानी जहां बाढ़ तथा सुनामी बनकर आफत ढाता है, तो दूसरी तरफ प्यास बुझाकर समस्त जीवधारियों के जीवन की रक्षा भी करता है। इसीलिए पानी ही जीवन का मुख्य आधार है, यानी कि जल है तो जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना सरासर बेईमानी है। आज पीने के पानी की कमी से देश व प्रदेश के कई जिले जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर को यूं तो बांधों का जनपद कहा जाता है, परंतु पिछले कुछ सालों से बारिश की कमी के चलते जनपद को पीने के पानी का संकट का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ ही रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के लिए लोगों को यहाँ लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है, जबकि दूसरी ओर पर्याप्त जल वाले क्षेत्रों में अपने दैनिक जरूरतों से ज़्यादा पानी लोग बर्बाद कर रहे हैं। आज जनपद मुख्यालय के कई वार्डों के लोग पानी की कमी के चलते सुबह से शाम तक पानी के इंतजाम में लगे रहते हैं। हमारे जल संस्थान के द्वारा जो पेयजल समस्या जो भी भीषण गर्मी में आई है, उसमें जल संस्थान के अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा शासन के निर्देशानुसार जहाँ भी पानी की किल्लत है उनको टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जल संस्थान में करीब 25 टैंकर हैं, जिसमें हमारे विभाग के द्वारा नेहरू नगर क्षेत्र सबसे क्राइसिस एरिया है, जहाँ बोर फेल हो चुके हैं, वहाँ करीब 15-16 जगह टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है। और दूसरा शहर का एक और बसंत विहार कॉलोनी है, जो यहाँ भी बोर वगैरह फेल हो चुके हैं, यहाँ भी करीब 12-13 पॉइंटों पर ट्रैक्टरों और टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा पानी के इंतजाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जल संस्थान द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई देकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पूरे शहर में लगभग 1500 हैंडपंप इस समय, और दिन प्रतिदिन जो शिकायतें वहाँ मिलती जाती हैं हम लोग को, तो दिन में ऐसे शिकायतें आई हैं तो एक दिन में कम से कम 6-7 हैंडपम्प की मरम्मत हो जाती है। और अभी इस समय ज़्यादातर जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ज़्यादातर कोई किसी में पाइप पड़ना है, किसी में बोर ख़त्म हो गया, तो रिबोर की इस टाइप की शिकायतें वहाँ हैंडपम्प की मिलती हैं हम लोग को। तो रिबोर के लिए जो शिकायतें मिलती है उसको हम जल निगम में दे देते हैं, और जिसमें पाइप पड़ना होता है उसमें हम विभाग के द्वारा ठीक करवा दी जाती है। टैंकरों की जहाँ तक सवाल है, तो हमारे यहाँ से नेहरू नगर, चांदमारी, देवगढ़ रोड की और जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे टैंकर भेजा रहे हैं। जैसे कि नेहरू नगर में 15-16 स्थानों का, किसी दिन 13-14 स्थानों पर भेजा जा रहा है, और जहाँ पे भी कोई ज़रूरत पड़ रही है अगर पॉइंट निर्धारित किया जा रहा है तो वहाँ से फिर दोबारा भेजा जा रहा है। देवगढ़ रोड के लिए भी यही है, और उसके बाद फिर से अगर पब्लिक की डिमांड होती है कि हमारे यहाँ पर टैंकर पेयजल आपूर्ति नहीं उपलब्ध हुई, वहाँ पे भी सुचारू रूप से जब
जब वो फ़ोन करते हैं या कंट्रोल रूम से या हमारे यहाँ से मोबाइल नंबर से संपर्क करते हैं तो उनको भी इसी तरह से जब पॉइंट बना करके उनको पेयजल वितरित की जा रही है। धरती पर मौजूद हर जीव जंतु को पानी की ज़रूरत है, जबकि बेहद कम स्वच्छ जल मानव इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। इसलिए अनेक स्थानों पर पेयजल की कमी की समस्या है। इसीलिए हमें धरती पर स्वच्छ जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि धरती पर मानव का भविष्य सुरक्षित रह सके। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जानने और उनका निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में सरकार द्वारा मंगल दिवस, जन चौपाल जैसी कई पहल शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत जिले के उच्च अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं जानने और उनका त्वरित निदान करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बहराइच से दयाशंकर शुक्ला के साथ अन्नू मिश्रा की यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों की समस्याओं को जानने और उनका निस्तारण करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर मंगल दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की दिक्कतों को जान समझकर उनका त्वरित निस्तारण करने का भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक जन चौपाल का आयोजन बहराइच जनपद के विकासखंड विश्वेश्वरगंज के ग्राम पंचायत नेठिया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने की। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत नेठिया के विभिन्न मदों में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें खड़ंजा, डामर व कच्ची मिट्टी बटाई कार्य, ग्राम पंचायत के विभिन्न मजरों में विद्युतीकरण, गांव में 3 जगहों पर लगे सोलर लाइटों का भी सत्यापन किया गया। ग्राम सभा में 25 पात्र लोगों के स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालयों का भी सत्यापन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 9 आवासों को भी देखा गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत में पात्र लोगों में विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन भी मौके पर ही सत्यापन किया गया। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों में मजदूरों के जॉब कार्ड के विषय में पूछा गया तथा एक तालाब के सौंदर्यीकरण का काम बंद होने पर सेक्रेटरी को फटकार लगाई गई और उन्हें बरसात से पूर्व इस कार्य को कराकर छाईदार वृक्ष चारों तरफ से लगाने का भी निर्देश दिया गया। कोटेदार द्वारा राशन दिए जाने से संबंधित जानकारी ली गई। सभी लोगों को राशन देना सत्यापित किया गया। बाल विकास परियोजना के संबंध में CDPO दीपा गुप्ता ने विभागीय जानकारी दी तथा मौके पर DM द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई तथा कुछ बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिक्षा ज्ञान का वो प्रकाश है जो हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सबको अच्छी एवं गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर उनका समुचित विकास करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार ने अपने गठन के पश्चात ही शिक्षा क्षेत्र में सुधार और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया था। हम सबका मानना है एक उत्तम और संस्कारित शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन स्तर को उठा सकती है, एक किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आने वाले समय में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय किसी भी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल को मात देते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं यदि नींव मजबूत हो तो उस पर बनी इमारत भी बुलंद होती है। इसीलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर विशेष जोर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद ने तय किया है कि प्रदेश के अंदर कोई भी बालक और कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित ना हो, इसके लिए सारा शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इन सबके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। विगत एक वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद के 158,837 विद्यालयों में कुल 1,54,22,047 छात्रों का दाखिला कराया गया, जो अपने आप में एक उत्साहजनक वृद्धि है। पहली बार प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को निशुल्क स्कूल बैग, जूता मोजा और स्वेटर का वितरण किया। सच संवर कर स्कूल जाते ये बच्चे आज अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर है और विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य को संजोने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध भी। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज BTC, BEd, BPed, BSc, BCom, BA में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बुंदेलखंड का सर्वोत्तम संस्थान। विशालकाय क्लासरूम, कंप्यूटर लैब व
पुस्तकालय, खेलकूद और कंपटीशन क्लासेस समेत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज नवीन गल्ला मंडी के पास झांसी रोड महर्रा ललितपुर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की ओर। बदलते वर्तमान परिवेश में बेटियां बेटों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। आज वह तकनीकी से लेकर सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में पुरुषों को मात दे रही हैं। ऐसी ही एक होनहार बेटी हैं झांसी की जीनत कौसर, जिन्होंने क्रिकेट को जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। आज वह अमेरिकन क्रिकेट टीम की एक उम्दा खिलाड़ी है। आइए देखते हैं झांसी से जसवंत सिंह परिहार के साथ उदय कुशवाहा की यह रिपोर्ट। कहते हैं कि इंसान यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस जरूरत है तो बुलंद हौसले और दृढ़ इरादे की। आज बदलते वक्त के साथ समाज में भी काफ़ी बदलाव आया है। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झांसी की जीनत कौसर ने, जो आज अमेरिका महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा बनी हैं। झांसी के पुराने शहर की रहने वाली जीनत अपने पति के साथ अमेरिका में रहती हैं। जीनत के पति अमेरिका में नौकरी करते हैं। जीनत कई सालों से क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। कॉलेज के दिनों से उन्हें क्रिकेट से बहुत लगाव है। जीनत कौशल अमेरिका की महिला क्रिकेट टीम में खेल रही हैं और कई देशों से मैच भी खेल चुकी हैं। मैं जो चाहती थी कि यहाँ झांसी से अपनी कोई टीम में प्लेयर आगे इस मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा चाहती थी। अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो मेरे साथ की मेरी फ्रेंड गई है, तो आई एम सो हैप्पी और बहुत खुशी हो रही है। आपको बताते चलें कि जीनत कौर की शादी 2013 में झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में हुई थी। आजकल जीनत अमेरिका से झांसी आई हुई हैं और अपने सहेलियों के साथ युवा महिला खिलाड़ियों को जागृत कर रही हैं। जीनत कौशल झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंची और स्टेडियम में अपने कोच ब्रजेंद्र यादव से मिली और उन्होंने पुरानी यादें भी ताज़ा की। जीनत ने अपनी सहेलियों और स्टेडियम में खेल रहे लड़कों से भी मुलाकात की और उनके साथ प्रैक्टिस में भाग लिया। साथ ही खेल की बारीकियों पर युवा खिलाड़ियों से चर्चा भी की। जीनत ने स्टेडियम में खेल रहे खिलाड़ियों को जानकारी दी और कहा कि आप चाहे किसी भी खेल के खिलाड़ी हों, मगर मन से अपना खेल खेलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जीनत कौशल ने बताया कि क्रिकेट का शौक मुझे बचपन से रहा। इसमें मेरे माता पिता और भाई का बड़ा सहयोग रहा। आज भी मेरा भाई और मेरे पति मेरा पूरा सहयोग करते हैं। मैंने क्रिकेट अपने यहीं गली में खेलना सीखा अपने भाई के साथ, और यहीं से सीखते सीखते मेरी रुचि बढ़ती गई जैसे जैसे मुझे खेलना आया। और खेलते खेलते फिर जैसे ही मेरा 12th पास आउट हुआ है, उसके बाद ही फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर झांसी JDA एसोसिएशन खुला था, फिर झांसी से भी कई डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने खेला एज अ वाइस कैप्टन। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश टीम बनी, तो उत्तर प्रदेश के लिए भी मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर आगे जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, इंटर के बाद BSc, फिर MSc, फिर BEd भी किया है मैंने। उसी के साथ साथ खेल के साथ साथ पढ़ाई, दोनों चीज़ें मेरी चलती रहीं। काफ़ी दिक्कतें आईं कि साइंस के साथ खेल को मैनेज करना एक मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि सुबह जाना और फिर दोपहर में कॉलेज जाना, फिर शाम में फिर से फील्ड पे जाना, तो बहुत ही लॉन्ग डे हो जाता था जो पता ही नहीं चलता था, और शाम को बेहाल सोते थे आकर। फिर कॉलेज के बाद शादी हुई मेरी, और शादी होते ही फौरन ही मेरा US जाने का हो गया। तो जो एक सपना था अपना क्रिकेट खेलने का, वो ऐसा लगा जैसे अब अधूरा रह जाएगा कि अब अभी तक तो पढ़ाई में लगे हुए थे, उसके बाद अब शादी हो गई, अब तो चांसेस जैसे ज़ीरो हो गए हैं, अब क्या मैं आगे खेल पाऊँगी। तो लेकिन ऊपर वाले का कर्म है, और आगे वाले को, ऊपर वाले को पता है कि क्या है आगे लिखा हुआ। फिर वहाँ गए हैं, एक साल बीता है, फिर दिल में जो लौ थी खेलने की वो कहीं बुझ नहीं पाई। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ झांसी में मेरी बच्ची पढ़ी और यहाँ पर उसने अपना करियर स्टार्ट किया, और उसके बाद वो अमेरिका में अपने नेशनल 11 में उसने मेहनत करके जगह बनाई है। ये हमारे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि जो और बच्चे हैं वो भी इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जैसा कि जीनत ने खुद चाहा है कि बेटियों को खेल भी खिलाओ ताकि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। आज युवाओं में जहां नौकरी पाने की होड़ लगी हुई है,
वहीं पर बरेली के दो युवा इंजीनियर ऐसे भी हैं जिन्होंने लाखों रुपए की नौकरी को छोड़कर अपने व्यवसाय का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने 1 लाख रुपए से अपना व्यवसाय शुरू किया और आज उनका टर्नओवर 1 करोड़ को पार कर चुका है। वह प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। पेश है उनसे बातचीत के मुख्य अंश। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दो ऐसे इंजीनियरों से जिन्होंने लाखों रुपए का पैकेज छोड़ के चाय की दुकान खोली। कमाल की बात यह है कि आज उनकी चाय की दुकान का टर्नओवर 1 करोड़ को भी पार कर चुका है और 60 से अधिक लोग उनके दुकानों में काम करते हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। अभिनव, आपके क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब करी, फिर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने भी इंजीनियरिंग ही करी है कंप्यूटर साइंस से 2012 में बरेली से। उसके बाद सर मैंने 2 साल जॉब करी। उसके बाद हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को ये आइडिया आया कि चाय से रिलेटेड कुछ करते हैं, तब हमने ये शुरुआत करी अपने बिजनेस। आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो अचानक आपके दिमाग में चाय बेचने वाली बात कैसे आ गई? बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली हम लोग जब जॉब करते थे तो हम लोग बाहर ब्रेक्स में चाय वगैरह पीने जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि बाहर चाय तो मिलती थी पर बहुत ही अनहाइजीनिक और गंदी चाय मिलती थी। उसमें जैसे मक्खियाँ आती थी, खराब दूध से, अनहाइजीनिक हाथों से वो चाय बनाते थे। तो मैंने सोचा कि चाय का मार्केट बहुत बड़ा है, इसी में कुछ करा जा सकता है। इसी अगर शॉप को मैं, जो चाय की थड़ी है, जो ठेली है, इसको अगर थोड़ा सा रेनोवेट करके और थोड़ा सा ब्रांडेड करके और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, जैसे आरओ वाटर, हाथों में स्टाफ के ग्लव्स पहना के, और अगर साफ़ सुथरी पन्नी, और हम लोग इस तरीके से यूज़ करें, तो हम एक बहुत बड़ा मतलब मॉडल बना सकते हैं और लोगों को चीज़ पसंद आएगी। और तभी हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत करी। और एक पहली जो हम लोगों ने ठेली थी वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली इसको क्राफ्ट करके नोएडा के सेक्टर 16 में हम लोगों ने इसको लगाया और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स से फिर हमने अपना बिजनेस की शुरुआत। ऐसे में आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? हम लोग 9 से 6 की अपनी ड्यूटी करते थे। उसके बाद कभी ये मैनेज करता था ब्रेक्स में, कभी मैं मैनेज करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमारी ठेली फ्लरिश कर गई कि हम लोग अपना कुछ इसी में कुछ हमें बड़ा करना है, क्योंकि हमें स्कोप दिख रहा था, हमें दिख रहा था कि लोग इस देश में बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है, तब धीरे धीरे करके हमने घरों में अपने बताया। हम लोग इंजीनियर हैं तो हमारा दिमाग उसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से चलता है, तो हम लोगों ने चाय को भी उस तरीके से बना दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने उसको लॉन्च किया। जब ये सब चीज़ें घर वालों को बताई तो इन दी एंड वो थोड़े बहुत कन्विंस हो गए, और फिर जब मतलब एक के बाद एक दूसरी शॉप हमारी खुली तो फिर वो चीज़ें होती वो सब खत्म हो गई। फिलहाल आपकी जो आउटलेट्स हैं चाय की, उनका टर्नओवर क्या है? धीरे धीरे करके हमने फिर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप लेवल चले। 6 महीने बाद हमने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, क्योंकि हमें इसको बहुत आगे तक ले जाना था, हमारा मिशन और विजन बहुत बड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने अपने आउटलेट्स बढ़ाए, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ाई, लोगों को समझा, लोगों से हम जाके बात करते थे, और धीरे धीरे करके आज की डेट में हमारा जो टर्नओवर है वो अबव 1 crore है और हमारे 15+ आउटलेट 4 शहरों में चल रहे हैं। परमित, आप किस किस्म की चाय सप्लाई करते हैं? सुना है आप कई ब्रांड्स की चाय को सप्लाई करते हैं। हमारे आउटलेट में 10 से 15 तरीके की सर चाय रहती है, जिसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा चाय बिकती है वो अदरक इलायची, कुल्लड़ चाय, मसाला चाय, ग्रीन चाय, लेमन चाय, ब्लैक चाय। और हमने इसके अलावा हमने अपना एक शादियों और फंक्शंस में भी अपना एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 40 वैरायटीज से ज़्यादा की चाय उसमें सर्व करते हैं। आम चाय में और आपकी चाय में क्या अंतर है? देखिए सर, आम चाय में क्या होता है, एक शॉप होती है चाय की, वो एक या दो तरीके की चाय बेचते हैं और सालों से उनका एक ही टेस्ट होता है, कस्टमर आते हैं चाय पीने। हमारे सर क्या है, एक तो आप हमारे आउटलेट पे आएंगे, अपने हिसाब से चाय बनवा सकते हैं, जिसे कस्टमाइज टी कहते हैं। किसी को कम पत्ती की चाहिए, किसी को गाढ़े दूध की चाय चाहिए, तो वो हम कस्टमाइज ऑप्शन हमने रखे हुए हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ ये है, लोगों ने जिस तरीके की चाय आज तक ली नहीं थी, लोगों को पता नहीं था छोटे शहरों में कि जैस्मिन टी क्या होती है, हनी चैमोमाइल टी क्या होती है, तुलसी चाय, हरी मिर्च चाय क्या होती है, वो ऑप्शंस भी हमने उन लोगों को अवेल कराए। बहुत सी क्या योजना है आप लोगों की? भविष्य में हमारी ये योजना है कि हम ये चाहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक छोटे छोटे चाय के ऐसे स्टॉल हों जहाँ पे आदमी को बहुत कम रुपए में एक साफ सुथरी अच्छी चाय मिल जाए। कीमत है आपकी 5 रुपए से 25 रुपए में, और लोगों को जो ठेली पे गंदी सदी चाय पीने के लिए जाना पड़ता है वो वहाँ से शिफ्ट होके इन आउटलेट्स की तरफ अपना रुझान करें। अभी हमने थोड़ा सोचा है कि हाइब्रिड मॉडल हम अपना डेवलप करें। हमने उसमें सोचा है कि टी कंटेनर रूम्स हम लगाएंगे, जिसमें कि हम लोग विभिन्न प्रकार की चाय
और हाईवे पे जो लोगों को दिक्कतें आती हैं उसमें हम अपने पोर्टेबल टॉयलेट्स लगाएंगे अपने अटैच आउटलेट्स के साथ। बहुत ही लो बजट में हम उस स्कीम को शुरू करना चाहते हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि लोग आएँ एंड लुक एंड कॉर्नर, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, बाइक से आएँ और अपना छोटा सा ब्रेक लें 15-20 मिनट का, अपने चाय का आनंद लें, अपनी फैमिली के साथ लोग आ सकें। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शिक्षित हैं, कई किस्म के डिग्रियाँ उनके पास में हैं, नौकरी के लिए वो लोग भटक रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? जो हमारा देश है, भारत देश है, वो बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस देश में और ये देश अभी बढ़ रहा है, तो इसमें आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे हमने इंजीनियरिंग छोड़ के चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, आप भी कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पूंजी लगा के ही व्यापार शुरू करें, व्यापार 10,000 रुपये से भी हो सकता है, 5,000 रुपये से भी हो सकता है, व्यापार स्टार्ट करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक 20 साल की उम्र में आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएँ। आज जो मैटर जो सबसे ज़्यादा करता है कि मैं आज जो हूँ उससे मैं 1% कल ज़्यादा हूँ, वो हर युवा के जीवन में एक चीज़ हो सकती है। हम लोग भी अपनी जॉब कर रहे थे, हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, हम लोगों को ने भी आइडेंटिफाई किया कि हमें कुछ करना चाहिए, धीरे धीरे करके हमें पता लगा कि हमें क्या करना है। जब आपको आपकी डिज़ायर आइडेंटिफाई हो जाती है तब आपका पैशन उसमें लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आप रात दिन ये देखते और आप उसमें आगे बढ़ते चले, यही सफलता की कुंजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9919999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता है apnapradeshtv@gmail.com। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।